हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राजभोग। आइए शुरू करते। ये 1.5 लीटर जितना दूध है इसे मैंने गर्म करने रख दिया है। जब एक उबाल आएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। जब तक कि हमारा दूध उबाल आए तब हम एक कटोरी ले दो, उसमें आधी कटोरी जितना पानी लिया है मैंने, उसमें केसर भिगो देंगे। इससे हमारे राजभोग का कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूध में उबाल आने लगा है। अब इस टाइम पे हम इसमें विनेगर डालेंगे। ऐसे 2 से 3 बड़े चम्मच, जब तक फटे नहीं इतना डालेंगे, 2 या 3 चम्मच। हमें दूध फाड़ना है बस। चाहे तो नींबू से भी आप फाड़ सकते हैं। मैंने विनेगर का यूज़ किया है। देखिए दूध हमारा फटने लगा है धीरे धीरे करके। ये देखिए ये दूध हमारा फट गया अच्छे से, जैसे हमें चाहिए उतना ही अच्छे से। अब हम गैस बंद कर देंगे, उसको छान लेंगे। मैंने उसको छानने रख दिया है। तब तक हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, बड़ा बर्तन, उसमें 1 कटोरी शक्कर लिए मैंने और 4 कटोरी पानी डाला है। ये इसका परफेक्ट माप है। थोड़ी सी केसर भी डाल देंगे। ये देखिए पानी निकल गया इसका सारा। अब एक कपड़े में डाल के अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे दबा के। इसको गरम गरम ही यूज़ करेंगे, तो थोड़ा हल्का सा गरम है ये, तो ध्यान से करते जाइए। चाहे तो नल के नीचे थोड़ा हाथ से धोते जाइए इसको, पानी से, ठंडे पानी से, और ऐसे दबा के। ये देखिए सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार हो रही है। तब तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वंडर शेप की मिक्सी ग्राइंडर है, इसके चॉपर में हमने इसको पहले ब्लेंड कर लिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इससे हमें हाथ से मैच कम करना पड़ेगा, कम मेहनत लगेगी। देखिए इसमें अच्छे से चॉप हो गया एकदम। ये देखिए आराम से हो गया। अब हम इसको हाथ से थोड़ा सा बांध के देखते हैं, अगर ये बनने लगेगा तो हमारा ये अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए बन रहा है, मतलब अब इसको हम राजभोग का शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हाथ से हथेली की से मसलते जाना है। काजू का चूरा है और पिस्ता का चूरा है, इसमें थोड़ी सी मैंने इलायची डाल दी है और थोड़ी सी शक्कर डाल दी है। अब ये स्टफिंग के लिए बनाया था मैंने, और इसको अंदर बीच में स्टफिंग कर देंगे और इस तरह से पैक कर देंगे और एक एक बॉल का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको पैक कर लेंगे और इसको ऐसे कटोरी में घुमा के हम इसको फिनिशिंग दे देंगे। देखिए एकदम अच्छा सा फिनिशिंग शेप आ गया एकदम। ये देखिए चाशनी भी हमारी तैयार हो रही है और हम इसमें एक एक करके सारे हमारे राजभोग इसमें डाल देंगे और आधा घंटा इसको हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। आधे घंटे के बाद एकदम अच्छे से पक जाएंगे, चाशनी इसके अंदर तक चली जाएगी, उसको ठंडा करके फिर हम खाएंगे। तो ये बिल्कुल एकदम जैसे मार्केट में बनते हैं, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है। आराम से आप अपने घर पे बनाइए, दिवाली पे एंजॉय कीजिए। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ये देखिए 20 मिनट हो गई है, ये काफ़ी अच्छे से पक गए। ये देखिए कम से कम आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए ये एकदम रेडी है। ये देखिए इस तरह से आप घर पे बनाइए।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।